अब तुम पूछोगे पूरे दिन में तुमने क्या किया, तो हमने कुछ नहीं किया, हम ठलवे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? सो गाइस आज का सीन जो है, आज है क्या है, आज है 14 तारीख और मतलब 14 जुलाई, और मम्मी का है कल को बर्थडे, और रात हो रही है 12 बजने वाले हैं। तो हम जो हैं क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि माँ को करेंगे सरप्राइज, माँ का कटवाएंगे केक, और चलते हैं थोड़ी देर में माँ का केक कटवाने। जैसे 12 बजते हैं वैसे चलते हैं केक कटवाने। और मैं तो रात को लेट सोता ही हूँ, घर वालों को भी नहीं सोने देता, तो देखते हैं क्या होगा। चलेंगे थोड़ी देर में अंदर, मैं जो थोड़ा सा केक तो नहीं है, पेस्ट्री है, पेस्ट लाया था, कटवा देते हैं, देखते हैं फिर कैसी गाली मुझे मिलती है सुनने को और कैसी नहीं। अब बज चुके हैं 12 बजने में लग रहे हैं, तो चलते हैं हम अपने तरफ, देखते हैं माँ जग रही है, सो रही है, और ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छा नज़ारा चल रहा है, मतलब सो रहे हैं, नज़ारा क्या चल रहा है, सो रहे हैं, नींद ख़राब कर देंगे, खुद भी नहीं सोएंगे, दूसरों को भी नहीं सोने देंगे। तो देख सकते हैं, ओ नाइस ब्रांडेड चद्दर, ब्रांडेड लोग। मम्मी 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 हैप्पी बर्थडे, मम्मी मम्मी हैप्पी बर्थडे। ए जग तो जाओ, क्या सुन तो लो, लाइट भी जला दियो, सुन तो लो, लो केक काटेंगे, केक काटेंगे, केक काटेंगे। मम्मी यार आओ जल्दी, सो मम्मी चलिए जल्दी, मैं केक भी नहीं लाया इसलिए पेस्ट लाया, मुझे पता है तुम केक पे गुस्सा करती तो हम इसलिए पेस्ट लाए हैं। मम्मी अरे हाँ मुंह धुलवा दूँ, पानी ले आऊँ, ऐसे कर रही बहुत बढ़िया लग रही। लो क्या ऐसे कहते हैं हिप हॉप, कल को तो केक काटेंगे, अब तो पेस्ट्री का तिया पाचा करना। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो मम्मी ने केक काट दिया है और मम्मी को हम केक खिला देते हैं, और ये जरा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो मम्मी पापा को उठा दूं? पापा को रहने दो, मुझे गाली देंगे, पापा को रहने दो, पापा को रहने दो, पापा को रहने दो, अरे पापा को रहने दो, गाली सुनवाना चाहो पापा को रहने दो, ठीक है। तो सो गाइस मिलते हैं बाकी कल को, थोड़ा केक हम भी मतलब पेस्ट्री हम भी खा लेते हैं, मम्मी को खिला लेते हैं। तो मम्मी जैसी थी वैसी हॉस्टल में सो जाओ, मिलते हैं सो गाइस कल को। सो गाइस अब बज चुके हैं शाम के 6, अब तुम पूछोगे पूरे दिन में तुमने क्या किया, तो हमने कुछ नहीं किया, हम ठलवे हैं। तो बज चुके हैं शाम के 6 और हाँ फोन गाड़ी में रखा गया, मैं देख के आता हूँ अभी फोन गाड़ी में रखा है क्या। तो मैं जरा पिताजी का पहले फ़ोन देख लूँ, पिताजी फ़ोन भूल गए अपना, पता नहीं कहाँ रखा, शायद गाड़ी में रखा है, तो मैं गाड़ी में देख के आता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। रुकिए आप थोड़ी देर, कहाँ रखी गाड़ी, चलिए आता हूँ पता नहीं रखा हूँ कितनी कैसे। सो गाइस सीन ये बनना है कि अब बज चुके हैं शाम के 6, मैंने आपको जैसे कि बताया था थोड़ी देर पहले, और अब हम नहाने जा रहे हैं यार, और क्या करेंगे भाई, नहाने ही जा सकते हैं, नहाने जा नहाने जा रहे हैं, डिटॉल का सब रखा है, सुनाएंगे ब्रो, और थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे, गर्मी हो रही है भाई, और क्या माँ को सरप्राइज देंगे क्या, तुम कहेंगे कपड़े चेंज कर रही हो माँ, मेरा बर्थडे है, वो देखो कितनी खुशाई है, तो बर्थडे पे क्या दावत दे रही हो मम्मी, मेरा हाथ दुखने लगा, दावत भी मिलेगी, दावत दे दो चलो, लेकिन रात कितना परेशान करा, 12 बजे सो के उठा दिया, 12 बजे सो के उठा दिया यार, 12 बजे तक सोने नहीं दिया, सोने नहीं दिया, वैसे तुम सो गई थी बहुत बुरी सो रही थी, बड़ी मुश्किल में माना मामला। तो मैं जाता हूँ यार नहा धो के आता हूँ, गर्मी भी हो रही है और बाल भी कटाए थे ना, तो वो कहते हैं ना नाई बैठ जाता है अगर ना हो, तो नाई को उतार के आता हूँ, मैं बाथरूम में उतार के आता हूँ, फेंक आता हूँ उसे, मैं नहा के आता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस नहा धो के आ चुके हैं, मतलब नाई को उतार के आ चुके हैं, जो बोलते हैं ना कि नहा धो के नाई उतर जाता है अगर कटवा के बाल आओ उसके बाद, तो नाई को उतार के आ चुके हैं बाथरूम में, और अब चलते हैं अपनी प्रिय बहन को लेने उसके घर से, और हमारी माँ कह रही है एक मेरा फ़ोटो खींच दे, तो फ़ोटो माँ के खींचेंगे, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा भाई। सो गाइस देख सकते हैं कि ये माँ के लिए केक आ चुका है,
और क्या है ये बेस्ट मॉम का अवार्ड हम देने जा रहे हैं आज माँ को। और ये हमारा क्यूटी पाई। अदित आपका नाम क्या है? पूरा नेम, फुल नेम क्या आपका? आप बेटे कौन से स्कूल में हो आप? कौन से स्कूल में हो? अरे देखो ये वीडियो बनाती रहती है। आए क्या वीडियो बना रही हैं। हाँ कौन से स्कूल में हो आप? एमडी में हो। कौन सी क्लास में हो? नर्सरी सी में हो। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। और मैं कौन हूँ? ये भाई ये मुझे ना भाई बिल्कुल भी मतलब आंसू मामा नहीं बोलता, आंसू ही बोलता है कभी भी पूछ लो। अच्छा मैं कौन हूँ? अच्छा मामा नहीं हूँ मैं, अच्छा मामा हूँ। दोस्त हूँ मैं या मामा हूँ या आंटी हूँ? दोस्त हूँ, बस आंसू हूँ, बस आंसू हूँ। देख लो कभी एडजस्ट हो जाए कहीं मामा वगैरह में तो आंसू ही हूँ बस। ठीक है तो भैया आंसू ही रह लेंगे। नानी का बर्थडे है, नानी से पूछो नानी पार्टी कहाँ है। नानी से पूछो नानी पार्टी कहाँ है। अच्छा सुन तो लो, अभी रुक जाओ, अभी काटेंगे हम केक काट के पार्टी में तो चल रहे हैं। मम्मा को फोन करो जल्दी से, मम्मा आएगी, मम्मा इंतजार कर रहे हैं। मम्मा का हम तो हैप्पी बर्थडे मामा, मैं ही बोलूंगा और बिना बोलने के। तुझे काहे बुलाया? हैप्पी बर्थडे बोल। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो ये टिनी भैया हैं, ये कुछ ही नहीं बोलते। अबे लड़कियों से ज्यादा शर्माना। डीडी बस का आना तू? डीडी बस का कौन सी क्लास का? नाइन्थ का आना तू? जबी दस जबी शर्मारा। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। तो अब चल रहा है केक खिलाने का सिस्टम। ये देखे पिताजी ने खिलाया माँ को केक और मम्मी पोज बना रही है कि हम पोज बनाएंगे और ये केक खाएंगे। ये नानी को खिलाने की बात हुई है, अब देखते हैं नानी को। ओ भाई साहब नानी को केक खिला दिया आज, वरना खुद खा लेता ये। ओ भाई साहब यहाँ पहले फोटो क्लिक करो। अदित हिप हिप बाबा पति ये देखे केक खिलाते हुए हंस रहे हैं, फोटो पोस्ट चल रहे हैं। अभी इधर देखो, इधर देखो मम्मा को क्लिक। और ये देख सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं टिन्नी भाई हैं जिनका बर्थडे 18 सितंबर को आता है। और हम दावा वो सॉरी सॉरी इस लाइन को कट कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे ऐसे। सो भाई ये आप देख सकते हैं बुढ़पुरी वाले, बुढ़पुर वाले टिन्नी भाई को जिनका जन्म बुढ़पुर मतलब सुहेड़ी से आगे वाला गाँव। इनके 6-7 ITI चले हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं ये। अभी तुमने रेंज रोवर ली वो कितने की? वो 60-80 लाख। ओ भयंकर, बहुत बहुत पैसा है इन पे, बहुत पैसा। अब रेंज रोवर के बाद ये रोल्स रॉयस लेने के लिए कह रहे हैं, तो रोल्स रॉयस आप ले रहे हैं ठीक है। उसमें एक बार गद्दी पे मुझे भी बिठा देना, आप हमारे भी भाग्य खुल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं केक खाने की खुशी। मैं तो केक खाऊंगी और खाऊंगी इतना कि मुझसे पूछना मत मैं कितना खाऊंगी। सो भैया सीन हुआ ये कि हमने भैया खाना वाना खा लिया, खाना में हमें सीट मिल गई थी बैठने को।
और हम यहाँ आके खाना खा लिए और हमारी माँ खड़ी हो गई है पोज देने के लिए। तो माँ पोज भी देती रहोगे या कुछ बाहर की तब प्रस्थान करें? बाहर भी चलेंगे, बाहर भी चलेंगे तो बाहर चलते हैं ना, फोटो तो हम किसी बात रहता है घर पे खींच देंगे। हाँ। यार मतलब लौंडा फोटोग्राफर और मतलब फोटो के लिए परेशान है यार, ऐसा कोई होता है भाई? सो गाइज अभी आए हैं आइसक्रीम लेने और देख रहे हैं कौन सी लें, देख लो बहुत सारी हैं, जो मन करे वो ले लो। टिन्नी कौन सा लेगा? तो भाई टिन्नी तो कुछ बता नहीं रहा, टिन्नी तो कह रहा मुझे तो स्कॉच चाहिए। मैंने कहा यार पापा डांटेंगे तेरे, सुन नहीं रहा, कह रहा स्कॉच चाहिए पक्का, देख ले अभी कहाँ, अभी तो मौका ही नहीं लगा कभी करने का, तो देखते हैं कुछ लेते हैं फिर।